नमस्कार दोस्तों, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 50 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम 50 वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे खराब लगे तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट पर। फर्स्ट वन है हमारा हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, मतलब कि जो भाई हमारी कई लैंग्वेज जानता हो तो उसे दोस्तों कहते हैं हम पॉलीग्लॉट, यानी कि बी ऑप्शन। इसमें जो लिंग्विस्ट है, इसमें दोस्तों जो ये हमारा ए ऑप्शन है, इसमें इसका मतलब है केवल दो, यानी कि दो लैंग्वेज जानता हो। लेकिन पॉलीग्लॉट जो होता है वो होता है मैनी लैंग्वेज। अब सेकंड वन है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, कि भाई कोई जो कोई सोशल लाइफ मतलब कि यूजुअल रूल्स, तो इसका बोहेमियन यानी अनकन्वेंशनल बिहेवियर, मतलब कि उसका बिहेवियर कन्वेंशनल ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीके से कह दीजिए कि अनसेविज वगैरह जो नहीं मानता हो सोशल लाइफ, जैसे प्लेसिंग अ थर्ड थिंग बिसाइड अनदर, तो इसका दोस्तों इम्पोर्टेंट एडियम वो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, जिसका मतलब होता है जुक्तापोष, यानी कि वन अ प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, जुक्तापोष। टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल्स फ्रॉम अ शिप एन एयरक्राफ्ट अ स्पेसक्राफ्ट, मतलब कि स्पेसक्राफ्ट हो या एयरक्राफ्ट हो या शिप हो, उसमें जो अननेसेसरी गुड्स है, जो फ्यूल वगैरह है, वो उसको फेंक देना। तो दोस्तों इसका होता है जेटिशन आंसर, ऑप्शन डी। फिफ्थ वन पे आते हैं वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर, जिसका मतलब हुआ शोरगुल, इसका मतलब भी होता है शोरगुल। तो शोरगुल हमारा होता है पेंडेमोनियम। दोस्तों इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, स्पेलिंग एरर में भी आपको काफी बार पेंडेमोनियम पूछ लेता है। अब सिक्स्थ वन है हमारा बाय पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर, मतलब कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, तो दोस्तों वो होता है हमारा ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट हो जाता है। वो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सब जगह स्थित हो, ओमनीसेंट को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम सेवंथ पर, जैसे ही इज अ डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिज, जो हमारे स्किन जो डिसीज होती है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, जो डॉक्टर होता है वो होता है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्किन डिजीज के लिए होता है वो हमारा होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं हम एट पर, इसमें कहा गया है कि वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, मतलब कि अपन सोसाइटी को से मतलब सोसाइटी ने निकाल दिया हो, जो अब अकेला रहता है, तो वो होता है हमारा रेक्ल्यूज, जो लोनली जीवन व्यतीत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नाइन्थ वन। तो नाइन्थ वन है हमारा, इसमें कहा गया है कि द आर्ट मेकिंग ऑफ पॉट्स ब्रिक्स एक्सेट्रा विद क्ले, मतलब कि क्ले से जो हमारा वो आर्ट पॉट वगैरह बनते हैं, ब्रिक बनती है, तो वो होती है हमारी दोस्तों ये इसमें गड़बड़ है दोस्तों, क्रोकरी नहीं, ये तो सिरम, ये गलत है, इसमें शायद या तो पॉटिंग होगा या द आर्ट ऑफ मेकिंग, दोस्तों ये हमारा पोर्टिंग है शायद, पी ओ डबल टी आई एन जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। टेंथ पे आते हैं तब तक हम, तो टेन लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब कि जो सेम टाइम पे लिविंग है, तो उसका जो होता है वो हमारा होता है कंटेम्प्रेरी। दोस्तों नाइन्थ वन है ये, इसका शायद आंसर या तो इसका क्रोकरी है, वैसे मैंने क्रोकरी ही देखा है, वैसे दोस्तों क्रोकरी ही है, जो हमारे पॉट्स वोट्स वगैरह बनाते हैं दाड़ों में, वो क्रोकरी है, क्योंकि डायनामिक्स नहीं होगा, सिरामिक्स नहीं होता। पोटिंग, पोटिंग का मतलब ये होता है कि भाई किसी पॉट वगैरह में प्लांट प्लांट को लगा देना, तो क्रोकरी आंसर है दोस्तों, और कोई ऑप्शन हमारा नहीं है, तो क्रोकरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ग्यारहवा है हमारा सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब कि सक्सेशन ऑफ रूलर्स
बिलोंगिंग टू वन फैमिली। तो दोस्तों इसका योग हमारा डायनेस्टी, वंश, यानी कि जिसको बोलते हैं वंशागत। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए। 12th हमारा आ जाता है टू कट समथिंग इंटू टू पीसेस, मतलब कि दो पीसेस में किसी को काट देना। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी, सेवर, यानी किसी। अब एक ये दोस्तों सीवियर होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम, मतलब कि एक्स्ट्रा एक्सट्रीम। अब 13th पर आ जाइए, जिसका मतलब है फ्लैट मेटल और पोर्सिलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। तो दोस्तों ये होता है हमारा प्लेक्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्लेक्यू। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब कि किसी को धोखा देकर जो पैसा कमाना। तो दोस्तों वो होता है हमारा, क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, थेफ्ट नहीं हो सकता, रॉबरी नहीं हो सकता, केवल फ्रॉड, जो वह फ्रॉड करता है। अब 15th पे आ जाइए, जिसमें कहा गया है कि अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, दर्शक जो भी हम अभी तमाशा देखने वाले वगैरह होते हैं, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आर ड्रामा। मतलब कि एक शॉर्ट पोएम और एक स्पीच, यानी कि एक छोटी सी स्पीच जो होती है, जो कि एक ड्रामा के बाद में दी जाती है, वो होती है हमारी एपिलॉग। और एक इसके पहले दी जाती है, कोई भी, जैसे कोई भी पोएम है उसके पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट दे देते हैं, तो वो होता है हमारा प्रोलॉग। और बाद का जो होता है वो होता है एपिलॉग। अब 16th पे आ जाइए, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडर स्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट, मतलब कि कोई डेफिनेट ना हो, तो डेफिनेट ना हो तो हमारा क्या हो, एम्बिगुअस। ठीक है फ्रेंड्स, 17th पर आते हैं हम। 17th में कहा गया कि अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब कि अपने उधार चुकाने में वो सक्षम न हो, तो होता है दोस्तों इसका इंसॉल्वेंट, जिसको हम बोल देते हैं बैंकरप्ट भी, BANKRUPTED, वो RUPT, केवल बैंकरप्ट। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट जो हमारे, ये हमारे सिनोनिम्स हैं, कि भाई जो हमारा जो हिज अपने उधार चुकता करने में अक्षम हो। अब 18th पर आ जाते हैं, एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब कि जिसका बहुत समय से यूज ना हो, तो वो होता है हमारा ऑप्शन बी, ऑब्सोलीट। अ पर्सन कमिंग टू फॉरन लैंड टू सेटल हेयर, टू सेटल देयर। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरन लैंड टू सेटल देयर। तो दोस्तों ये हमारा एमिग्रेंट होता है। एमिग्रेंट का मतलब होता है कि भाई दूसरी कंट्री से, जो दोस्त दूसरी कंट्री से कोई आदमी आता है, वो हमारे देश में आकर बस जाता है, वो इमिग्रेंट। और जो कोई हमारा देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर बसता है, वो होता है हमारा एमिग्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे अब 20 पे आते हैं, इसमें बोला गया है कि समथिंग समथिंग कैपेबल ऑफ बींग डन, मतलब कि समथिंग कैपेबल ऑफ बींग डन, तो वो होगा हमारा टेनेबल, मतलब कि जो करने योग्य हो। अब आता है एन एनक्लोश्योर, एनक्लोश्योर फॉर कीपिंग बर्ड्स, मतलब कि जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, वो होता है हमारा एवेरी। एवेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और ए जो है ये एपियरी, ये होता है हमारा मधुमक्खी के लिए, कि जहाँ पर मधुमक्खी को रखा जाता है, मैं पाला जाता है, जहाँ बर्ड्स को पाला जाता है, एवेरी। अब आते हैं हम 22 पे, अ ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स, अ ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट। तो दोस्तों ये होता है हमारा क्लस्टर। द डॉक्ट्रिन दैट देर इज ओनली वन गॉड, जहाँ पर एक ही गॉड हो, तो एक ही गॉड हो तो को क्या होगा हमारा, मोनोथिज्म। मोनो का मतलब एक, पोली का मतलब अनेक, अनेक गॉड हो। अब आते हैं मोड ऑफ बिहेवियर पिक्यूलियर टू आ पर्सन, मतलब कि किसी के, तो वो होगा हमारा इडियोसिंक्रेसी। 25 में आते हैं, अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ समथिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब किसी को घोषित कर दिया गया, तो वो होता हमारा क्रिमिनल, अकॉर्डिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 26 पर। 26 में बताया गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, तो इसका क्या होगा दोस्तों, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, तो होता है अप्रूव, अप्रूव करना किसी। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, ये दोस्तों अच्छा है, इसका होता है विजनरी, मतलब कि भविष्य। वन हु की मतलब कि जो हमारा इमेजिनेशन और विजडम में ही खोता रहता है, कि फ्यूचर में, तो उसका विजनरी।
डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रंस, मतलब कि टीटो, वो चिल्ड्रनों का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं हम पेडिट। वो पेडिटिशियन, पेडियाट्रिशियन, हाँ पेडियाट्रिशियन, ये वर्ड। अब होता है वन हु स्टडीज द इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल्स। तो जो इसका होता है वो होता है सेकेंड वन, सेपोलॉजिस्ट। सेपोलॉजिस्ट जो भी इलेक्शन ट्रेंड्स हैं उनके पोलोस को ओपिनियन बताता है, अपनी ओपिनियन बताता है, तो वो होता है सेपोलॉजिस्ट। अब 30 पर आ जाइए, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स, ये दोस्तों सभी जानते होंगे, फेमिनिस्ट। कहा फेमिनिस्ट। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, यानी कि इन्फेंट को हम चाइल्ड भी बोल देते हैं, और चाइल्ड को मारना हमारा इन्फेंटिसाइड। होमिसाइड का मतलब घर वालों को मारना, और जीनोसाइड का मतलब होता है कि नरसंहार करना, सुसाइड का मतलब खुद आत्महत्या कर लेना। यानी कि 32 पर आते हैं हम, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग का मतलब होता है गोरमेट, मतलब अच्छा खाने का शौकीन, गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है अच्छा खाने वाला, ये शौकीन दोस्तों इसका, ये फोर्थ वन ठीक है। अब आते हैं वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब कि उसे ना प्लेजर का पता, ना खुशी का पता, ना दुख का पता, तो दोस्तों वो होता हमारा स्टोइक। अब आ जाते हैं 34वें पर, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मतलब कि लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट, तो वो होता हमारा मोमेंटस। अब टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और न्यू डिमांड फॉर समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ को हाईजैक करना, जैसे टेररिस्ट जो किसी चीज़ को, प्लेन वगैरह को हाईजैक कर लेते हैं, किसी भी व्हीकल को हाईजैक, वो किसी भी व्हीकल को यार वो कहते हैं ना अगवा कर लेते हैं, तो वगैरह वगैरह, तो वो होता है हमारा हाईजैक, किसी चीज़ पर कंट्रोल कर लेना कि भाई उसकी डिमांड को पूरी करो या उसका न्यू डेस्टिनेशन जो बताता रहे। अब 36वें पर आते हैं हम, वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, ये हुआ वन हु गोज इन सेटल टू अनदर कंट्री, अनदर कंट्री आ गया तो वो क्या हुआ हमारा एमिग्रेंट, एमिग्रेंट इमिग्रेंट, इमिग्रेंट जो दूसरी कंट्री से आने आने वाला। अब वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब कि जो ह्यूमन से, मैनकाइंड से जो नफरत करता है वो कहलाता है हमारा मिसैंथ्रोप। अब जो हु लव्स मैनकाइंड वो कहलाता है हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट, वो फिलेंथ्रोप। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो सभी पूरे वर्ल्ड को, यानी कि वह सोचता हो कि भाई यह सारा यूनिवर्स उसका है और वह यूनिवर्स का है, मतलब कि उसके लिए ना कोई देश मैटर करता है कि भाई यह है उस देश का है, बस पूरे यूनिवर्स के लिए एक जैसा है, तो उसे बोलते हैं हम कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटन। अब वन हु वॉक्स ऑन रॉप्स, मतलब कि जो रस्सी पर चलने वाले होते हैं वो होते हैं हमारे एक्रोबैट, एक्रोबैट। द स्टडी ऑफ द ओरिजन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, तो हिस्ट्री ऑफ वर्ड, ओरिजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड का मतलब होता है ऑप्शन बी, एटाइमोलॉजी। अ पर्सन हु ब्रेक्स इन टू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब कि किसी घर में चोरी करने के लिए घुस जाना, तो वो होता है हमारा बर्गलर, चोर, और वो पूछ रहा है पर्सन का, ठीक है फ्रेंड्स। और कहीं पर भी आपको पूछ ले कि भाई इंट्रूडर का मतलब होता है किसी भी बिना आदेश के घुस जाना, जैसे वो कबाब में हड्डी बनना, इस तरीके से। द स्टडी ऑफ मैप्स, मैप की स्टडी, जो हमारे मानचित्र होते हैं, जो हमारे मानचित्र होते हैं, मैप होते हैं, उनकी स्टडी, इसको कहते हैं हम कार्टोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम 43 पर, टफ टीजूज इन जॉइंट्स, मतलब कि जो जॉइंट्स में टफ टीजूज होते हैं उनको बोलते हैं हम लिगामेंट्स। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट मॉडल होगा वो क्या होगा न्यू डिवाइस का, जैसे प्रोटोटाइप। अब कोई कंपनी है, उन्होंने नई कार लॉन्च की, अपनी नई कार बनाने जा रहे हैं, तो वे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कि भाई उसको टेस्टिंग के लिए, तो वो हमारा होता है फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहाँ पर भी हमारी ऑडियंस बैठती हैं, तो वो क्या होता है हमारा ऑडिटोरियम, जहाँ पर भी हमारी कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, जहाँ पर भी ऑडियंस बैठती हैं उसको बोलते हैं हम ऑडिटोरियम। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम,
तो वो होता है हमारा दैट विच लास्ट फॉर आ शॉर्ट टाइम, वो होता है ट्रांजिटरी। दोस्तों ये उसका बी ऑप्शन है। वो रेडी टू बिलीव एनी थिंग, जो वो किसी भी बात पर विश्वास कर ले, तो वो होता हमारा क्रेडुलस, जिसको बोलते हैं हम हिंदी का मुहावरा हो गया कान का कच्चा। अब 48th पर आ जाइए, अ फोर फुटेड एनिमल, मैं जिसके चार पैर हूँ, तो चार के लिए आप जानते ही हैं क्वाड्रप्ट, जैसे कुत्ता हो गया, गाय होगी, बफेलो होगी वगैरह वगैरह। अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, मतलब कि कोई भी किस चीज़ में विश्वास रखे कि भाई कहीं पर भी वार ना हो, वो शांति प्रिय आदमी हो, तो शांति प्रिय आदमी के लिए हम करते हैं पैसिफिस्ट, जिसको शांति की जरूरत हो, शांति प्रिय आदमी हो, जो काम हो शांति प्रिय हो, पैसिफिस्ट। अब लास्ट वन आता है हमारा कौन सा, ये कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। अब इसमें लास्ट में दिया गया है कि भाई कॉन्स्टेंट एफर्ट इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो ये कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को या अपने एम को अचीव करना, उसके लिए कॉन्स्टेंट लगातार एफर्ट करता रहना है, लगातार प्रयास करते रहना, तो उसको बोलते हैं परसेवरेंस। परसेवरेंस, PERSEVERANCE। दोस्तों इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी पूछ ली जाता है एरर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी,